देख सही ना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज जो है गाइस हमारा शायद से फोर्थ डे है। तो आज जो है हम लोगों को जा रहे हैं जियारत करने के लिए मक्का में। जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर वो सब हम देखने के लिए जा रहे हैं। तो बस आ चुकी है शायद, ये सबकी बस लगी हुई है जियारत के लिए ना। मैं आपको देखती हूँ, ये देखिए सारी बसेस लगी हुई है, सब जियारत पर जा रहे हैं। तो हम लोग भी जियारत पर ही निकल रहे हैं और जितना होगा ना मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। बाकी आप लोग हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मेरी जर्नी को पूरा पूरा इंजॉय करिएगा। ये देखें नज़ारा, देखें माशाल्लाह सब लोग यहाँ खड़े हुए हैं जियारत के लिए। ये भाई आ गए, ये पापा आ गए। यहाँ पे ये शॉप है हमारे होटल के जस्ट बराबर में, मॉल है एक छोटा सा, आगे भी सारी शॉप्स हैं और यहाँ भी सारी आगे तक। ये रास्ता हरम की तरफ जा रहा है ये वाला। अगर यहाँ पर जो ये पुल होते हैं ना इनको कहते हैं कुबरी, समझ रहे हो ना, पुल को यहाँ पे कहते हैं कुबरी। तो अगर यहाँ पे कोई भी आपसे कहता है पहली कुबरी दूसरी कुबरी तो उसका मतलब होता है पुल। तो गाइस आ गई है बस, सो गाइस आ गए हैं हम लोग बस में और हम लोग निकलेंगे ज़ियारत के लिए। और बस इतनी प्यारी है, इतनी ठंडी हो रही है, बस इतनी ठंडी हो रही है मैं आपको क्या बताऊँ। और ये देखो हमारे पीछे मर्सिडीज बेंज, और ये देखो पीछे सीट्स हमारे पीछे खाली है, बाकी आगे सब फुल हो, सब एक एक करके आ रहे हैं ना, तो ये सीट्स भी जो है भर जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम हबीबी जी, शेख साहब कहाँ जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा जा रहा है आपका सफ़र, आपका सफ़र कैसा जा रहा है सऊदी का? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान है मेरे परवरदिगार आलम का कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया और अपने घर पे और अपने सामने खड़े होने का हमें जो मौका मिला है हम इसका लाख लाख करोड़ करोड़ शुक्र अदा करते हैं। सबसे पहले तमाम उजाले इकराम को मुबारकबाद कि अल्लाह ताला ने आपको अपने घर की हाजिरी के लिए कबूल फरमाया और अपने घर का दीदार नसीब फरमाया। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। सफर की दुआ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुभानल्लज़ी सुभानल्लज़ी सख़र लना अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा ये सब मुकद्दस मकामात की ज़ियारत का सफर शुरू हो चुका है। खुदा के बाद दुनिया में जितने भी लोग हैं एहतराम के काबिल हम सबको मानते हैं, मगर सब मिलके कहना है हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफा के बाद सल्लल्लाहु मोहब्बत के साथ सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। घूमने के लिए जाए तो हर साल कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के किसी न किसी कोने पे जा सकते हैं, लेकिन मक्का और मदीना ऐसी मुकद्दस जगह है, ऐसी मुबारक जगह है, यहाँ पर हर बंदा अपनी मर्जी से नहीं आएगा। यहाँ पे वही आएगा जिसको अल्लाह जल्ला शानहु पसंद फरमाएंगे, कबूल फरमाएंगे, जिसके ऊपर अल्लाह नजरे करम का मामला फरमाएंगे। और हम कितने खुशकिस्मत है अल्हम्दुलिल्लाह के हम यहाँ आए, अल्लाह के मेहमान बने, अल्लाह के घर का दीदार किया। अल्लाह तआला ने इंसानों को चलने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की रहनुमाई के लिए कमोबेश 1,24,000 अंबियाए किराम इस कायनात में मबऊस फरमाए। ईसा अलैहिस्सलाम है, नबी अलैहिस्सलाम से पहले जो हजरत ईसा और नबी अलैहिस्सलाम के दरमियान का फासला है तकरीबन 570 साल का है। इरशाद फरमाते हैं वाइन तहुद्दु नेमतल्लाहि ला तुहसुहा कि ऐ मेरे बंदो मैंने तुम्हें इतनी नेमतें दी हैं कि अगर तुम शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैंने एहसान किया, अल्लाह ने कायनात को रोशन फरमा दिया। और किसी ने क्या खूब कहा कि हुजूर आए तो सुर आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकल कर
रोशनी में आ गई दुनिया, सुते चेहरों से जंग उतरा, मुझे चेहरों पे नूर आया, हुजूर आए तो इन इंसानों को जीने का शुऊर आया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्का के लोगों ने ज्यादा परेशान किया, ज्यादा तकलीफें दी, तो ये जो मक्का वाले कुफार थे, ये एक घर था उसको कहा जाता था दारुन नदवा, वहाँ बैठ के मक्का के कुफार ये फैसले किया करते थे, मशवरा किया करते थे। उस घर के अंदर कुफार बैठे हैं, मशवरा कर रहे हैं कि क्या किया जाए कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दिन ब दिन हमारे बुतों के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भड़का रहा है, नऊज़ुबिल्लाह। तो इस तरह तो काम चलता रहा तो सारे लोग हमारे बुतों के मुखालिफ हो जाएंगे और हमारे बुतों की इबादत करने वाला कोई नहीं बचेगा। और हमने अपने बाप दादा को इसी के ऊपर पाया है, हमारे बाप दादा ने बुतों की पूजा की, हम इनको कैसे छोड़ सकते हैं। तो उन लोगों ने मशवरा किया कि क्या किया जाए। एक आदमी ने मशवरा दिया कि इनको किसी कमरे में बंद करके गिरफ्तार करके कैद कर देते हैं, ये बाहर नहीं निकलेंगे, किसी से मिलेंगे नहीं, हमारे बुतों की बुराई नहीं होगी तो हम सुकून से अपने बुतों की इबादत करेंगे। और दूसरे ने मशवरा दिया कि नहीं, इनको किसी दूसरे मुल्क जलावतन कर देते हैं। तो फिर किसी ने कहा कि ये राय भी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये जिस मुल्क में जाएंगे वहाँ के लोगों को तैयार करके दोबारा आ जाएंगे हमारे साथ जिहाद करने के लिए, जंग करने के लिए। तो ये सोच रहे थे कि क्या किया जाए। शैतान जो था, शैतान ये इंसानी शक्ल में आया शेख नजदी की सूरत में, और शैतान आके कहने लगा कि आप सब लोगों की राय बेकार है, आप मेरी राय मानो तो ये करो कि सारे कबाइल, मिसाल के तौर पे 10 कबाइल थे, तो उसने कहा कि सारे कबाइल मिलके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ु बिल्लाह कत्ल कर दो। जब सारे लोग मिलके कत्ल करेंगे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले वाले किसी से बदला नहीं ले सकेंगे, क्योंकि इतने कबाइल से बदला कैसे लेंगे। तो मुकाबले में दियत होगी, तो दियत के सारे कबाइल मिल के 100 ऊँट है, सारे कबाइल मिल के अदा कर लेंगे, तो इस तरीके से आप सब लोगों का रास्ता साफ हो जाएगा। तो सारे कुफार को ये शैतान की रे, उनको नहीं पता था ये था कि ये शैतान है, सबको उनकी ये रे बहुत पसंद आई शैतान की। सब ने इकट्ठे होके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर का मुहासरा कर लिया। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो घर था, जब हम सफा मरवा से निकलते हैं, जो मैंने एक बताया, वहाँ पे अल्लाह के नबी की पैदाइश हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी होने से पहले तक वहाँ पे रहे, लेकिन जब अम्मा खदीजतुल कुबरा से शादी हुई तो फिर आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घर को छोड़ के उस घर में रहने लगे जो अम्मा खदीजा की मिल्कियत में था, अम्मा खदीजा का घर था। क्योंकि अम्मा खदीजा ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब निकाह किया तो अम्मा ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, आज के बाद मेरा जितना भी माल है वो सारा आपका है, आपके ऊपर वक्फ है, आप इसको जैसे चाहें खर्च कर सकते हैं। तो अल्लाह के नबी उस घर में रह रहे थे। वो घर था सफा मरवा से, जैसे ही हम दरवाजे से निकलते हैं क्लॉक टावर की तरफ घूमते हैं तो इधर थोड़ी सी एक जगह बनी हुई है, वहाँ पे था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस घर का। इन कुफार ने तलवारों के साथ मुहासरा किया हुआ है, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने 3-4 दिन पहले ही बता दिया था कि महबूब, ये लोग आपके साथ इस तरह करने वाले हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि या रसूलल्लाह, आप भी और आपके जो मानने वाले हैं इनको आप हिजरत करके मदीना ले जाएं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी सहाबा को 2-3 दिन पहले रवाना कर दिया, और एक उस टाइम पे हजरत अबू बकर सिद्दीक से फरमाया, अबू बकर तैयार है ना, हम भी हिजरत करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन रात को जब उन्होंने घेरा कर लिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को बुलाया, अली अल मुर्तजा शेर खुदा को बुलाया, फरमाया, अली, ये मक्का वालों की अमानतें मेरे पास रखी हुई हैं, ये आप इनको अपने पास रख लो, और कल जब दिन होगा, सुबह होगी, तो इनको मक्का वालों तक पहुंचा के लौटा के आप भी मेरे पीछे आ जाना। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से खुद अकेले निकले, घर से जब निकले देखा कि कुफार तलवारें लेके खड़े हैं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत यासीन की तिलावत करते हुए घर से बाहर निकले, वजअलना मिन बैन अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फाख्शैनाहुम फहुम ला युबसिरून। ये आयत पढ़ के ज़मीन से रेत की एक मुट्ठी भरी, उसके ऊपर यूं फूंक मार के यूं लोगों के उन कुफार की तरफ फेंका, सारे अंधे हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिफाजत से गुजरे, अबू बकर सिद्दीक के घर गए, वहाँ से अबू बकर सिद्दीक को साथ लिया, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करके, ये जो हमारे पीछे पहाड़ नज़र आ रहा है, ये जो हमारे सामने पहाड़ नज़र आ रहा है, तवज्जो करेंगे,
वो जो पहाड़ है ऊपर बिल्कुल एंड पे देखेंगे बड़ा पत्थर पड़ा है ऊपर बिल्कुल टॉप पे बड़ा पत्थर, उसी के नीचे वो गार है जिसको गारे सोर कहा जाता है। नबी अलैहिस्सलाम अबू बकर सिद्दीक हिजरत करके यहाँ पहुँचे, इस गार के अंदर 2 दिन 3 रातें कायम किया। जब गार के अंदर चले गए अल्लाह ने मकड़ी को हुक्म दिया, मकड़ी ने दरवाजे पे जाला बनाया और कबूतर ने आके घोंसला बना के उसमें अंडे दे दिए। जब कुफार आए तो कहने लगे कि इसमें नहीं गया, जो ऊपर बड़ा पत्थर पड़ा है इसी के नीचे वो गार है, ये देखने में इतना पत्थर है कि हम उठा के फेंक देंगे, लेकिन जब बंदा ऊपर जाता तो हाथों में नहीं आता। गारे सोर पूरा नक्शा इसमें मौजूद है, ठीक है। इंशाल्लाह मैं सारी ज़ियारत आप जितनी भी इधर हैं इंशाल्लाह सारी आप, अभी जो है हमने गारे सोर की ज़ियारत की है माशाल्लाह से, पूरा वाक्य वहाँ के बारे में हमने सुना है और आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। अब हम चाह रहे हैं दूसरी ज़ियारत की तरह, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। और हम भी पीछे आ रहे हैं और सहाबा को रुख्सत करते हुए प्यारे आका ने फरमाया सफा पहाड़ी के साथ है, उस दरवाजे से अल्लाह उस रास्ते से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में दाखिल हुए, हरम के अंदर से होते हुए हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर में पहुंचे। जब यहाँ से सफर करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ इस पहाड़ पर पहुंचे थे जिसकी हमें अभी जियारत की थी, और रास्ते में आका के जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई, और अगर अबू बकर सिद्दीक की ये जो गार की 2 दिन 3 रात की नेकी है, ये तमाम सहाबा की सारी जिंदगी की नेकियां एक तरफ, सिद्दीक की गार की 1 रात की नेकियां एक तरफ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, माशाल्लाह से हम आ गए मस्जिद निमरा। ये साल में एक बार खुलती है जैसे कि उन लोगों ने बताया था, इस साल में सिर्फ एक बार खुलती है, हज पे अभी भी बंद है और यहाँ पे सब सुन्नतें पढ़ रहे हैं। ये रहे पापा अरवा जी मम्मी, और यहाँ पे वज़ू का कोई इंतज़ाम नहीं है इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा, मेरा वज़ू नहीं था ना, यह पानी है ना वॉशरूम है, ऐसे है कुछ। सो गाइस अभी जो है हम लोग आ गए हैं आराफात के मैदान में, जो मैंने आपको दिखाया था वो भी आराफात का। तो गाइस ये वो वाली जगह है जहाँ पर जब हज का टाइम होता है ना तो जितने भी हाजी होते हैं ना वो यहाँ पर सब जगह पर कयाम करते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। बट अभी हम वहाँ पर जा रहे हैं जहाँ पर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए रो रो कर दुआ मांगी थी। वहाँ पर मैं आपको पूरी बात बता देती हूँ, जो वो जगह है ना वहाँ पर 3 किस्से होने, उनमें से जो पहला के 2 किस्से हो चुके हैं, 1 किस्सा होना बाकी है। जो पहला किस्सा है वो ये है कि जो हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को उतारा था जद्दा के अंदर, और आदम अलैहिस्सलाम मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर उन दोनों को मिलाया था, यहाँ आकर वो दोनों मिले थे माशाल्लाह से। पहला ये हुआ था और दूसरा हुआ है कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर रो रो कर दुआ करी थी, मैं भी आपको जो जगह दिखाऊँगी वहाँ पर। और तीसरी चीज़ होनी बाकी है और वो ये है कि कयामत आएगी, और कयामत कब आएगी वो सिर्फ अल्लाह पाक जानते हैं, हम में से किसी को नहीं मालूम। तो अभी वहीं पर ही चलते हैं, आपको दिखाते हैं हम। अभी हमारे साथ एक इंसिडेंट हो गया था कि हमारी बस आगे पीछे हो गई थी और हम लोग वहीं खड़े हुए थे, तो फिर बस रुकी, हम बैठे, फिर अब हम यहाँ पर आए। गाइस यहाँ देखो कितनी भीड़ हो रही है, क्योंकि यहाँ सब आते हैं ज़ियारत करने के लिए, यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। सो गाइस ये हम आ गए हैं उसी जगह पर जहाँ हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए रो रो के दुआ मांगी थी, और यहाँ पे क्राउड देखें कितना ज़्यादा है, बहुत क्राउड है, बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत भी नहीं बहुत ज़्यादा है। चलो जब हज का खुतबा वहाँ पे दिया मस्जिद निमरा वाली जगह, वो सामने मीनार नजर आते हैं, वहाँ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी के ऊपर बैठकर यहाँ तशरीफ लेके आए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी इस जगह कहीं पहाड़ के साथ नीचे बैठी, ठीक है, और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी के ऊपर ही बैठ के जवाल के बाद से लेकर सूरज गुरूब होने तक तकरीबन 4 घंटे बनते हैं, अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत के हक में दुआ की है, रो रो कर दुआ और इस्तिगफार की है।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के हक में दुआ और इस्तिग़फ़ार किया है, इसलिए हमें भी हुक्म है कि जब हम यहाँ पहुँचें तो यहाँ पे हम दुआ और इस्तिग़फ़ार करें। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो नीचे नीचे दीवार जा रही है ना, वो सुराख भी है उसमें, ये जो नीचे सारी दीवार जा रही है ये नहरे ज़ुबैदा की दीवार है। नहरे ज़ुबैदा खलीफा हारून और रशीद की बीवी थी मलका ज़ुबैदा, वो जब हज करने के लिए आई राम नहीं है तो उसने कहा, उसने सोचा कि मैं यहाँ पे पानी के इंतज़ाम करूँगी। उसने फिर यहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि मैं नहर बनवाना चाहती हूँ। तो लोगों ने बताया यहाँ नहर बनवाने के लिए तो काफ़ी खर्चा आया। उसने कहा कि जो मर्ज़ी हो जाए, अगर कोई बंदा ये कहे काम करने वाला कि मैं कुदाल की एक ज़र्ब लगाऊंगा और सोने का एक दिनार लूँगा, उसने कहा मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ लेकिन मैं ये नेक काम करूँगी। उसने फिर वो जो शाही जेवरात होते हैं, कीमती जेवरात, हीरे जवाहर जवाहरात जितने भी थे उसके शाही जेवरात, उसने सारे के सारे इस नहर के ऊपर बेच के उसकी सारी कीमत इस नहर के लिए वक्फ कर दी, खर्च कर दी। इसलिए इस नहर का नाम रखा गया नहर ज़ुबैदा। ये मुल्क इराक से दरिया फुरात से निकाली गई, ताइफ के रास्ते से होती हुई ये नहर आती है और जब ये अराफात की हदूद में नहर इंटर होती है तो चारों तरफ से नहर बंद है। जगह जगह पे जिस तरह की ये एक छोटा सा ये बना हुआ है, ये सामने ये उसका नहर ज़ुबैदा का कुआं है, इसी तरह के कुएं बनाए गए थे जगह जगह पे। उन कुओं में पानी जमा होता था, फिर हाजी बर्तन के जरिए पानी निकाल के इस्तेमाल करते थे। ये नहर आजकल इसमें पानी नहीं है। ये नहर अराफात, मुज़दलिफा, मीना, फिर आगे हरम अजीज, ये तक ये हरम के साथ तक ये नहर जाती थी। आजकल इसमें पानी नहीं है, आगे मुज़दलिफा में इसका म्यूज़ियम भी अभी बन रहा है, कुछ दिनों का तक उसका भी इफ्तिताह हो जाएगा। तो यहाँ पे असल जो मकाम है वो ज़ियारत का है, ज़ियारत हो गई। और दूसरे नंबर पे है दुआ। यहाँ आप अपने लिए दुआ करें, अपने रिश्तेदारों के लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। ये वो जगह है जहाँ हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए रो रो कर दुआ मांगी थी, बट हम ऊपर ज़ियारत के लिए नहीं जा पाएंगे क्योंकि उन लोगों ने ना यहाँ से रास्ता बंद किया हुआ है। फिर यहाँ से ऐसे गोल घूम कर ऊपर जाना पड़ेगा जिसमें बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और अभी हम लोगों को करना है उमरा। हम लोग माशाल्लाह से आज एक और उमरा करेंगे आए हैं, तो गाइस हम लोग चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, तो हम लोग आज दोबारा से उमरा करेंगे, अल्लाह हिम्मत देगा इंशाल्लाह। हमने तवाफ भी किए हैं, अभी हम एक और उमरा करेंगे आज, फिर दिखाते हैं आपको।